सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं आ जज सिंह चहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे दिल्ली सरकार दी, जिस दे नवे एक्शन हुण किसानी अंदोलन दे राह विच रोड़ा बन सकदे ने। सिमरजीत सिंह बैंस ते बहुत वड्डे इल्जाम लग गए ने, उसका उन्होंने की जवाब दिता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी हुण पंजाब दे किसानां दे नाल पुट्ठा पंगा लै लिया, उस बारे तुहानूं जानकारी दिया। किसानी अंदोलन के खिलाफ पंजाब दे विच लोक हुण सड़कां ते क्यों उतर आए ने। SGPC दे 100 साला समागम दे विच श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह इन्ना ज्यादा गुस्से दे विच क्यों आ गए कि उन्होंने कुछ लोगों तो सुचेत रहने की अपील सिख कौम नूं कर दिती है, तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ। पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं दिल्ली सरकार तो, जिसने कि केंद्र सरकार के अगे एक अपील करके पंजाब दे अते देश दे किसानी अंदोलन के उत्ते एक सवालिया चिन्ह ला दिता है। दरअसल दिल्ली दे विच कोरोना के केस लगातार वधदे जांदे ने, जिसनूं लैके दिल्ली की सरकार काफ़ी चिंतित होंदी दिखाई दिंदी है। अज आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस दे विच उन्होंने केंद्र सरकार के अगे एक अपील की है कि जेडे अधिकार पहला राज सरकारां नूं सन लॉकडाउन लाउंदे, वह एक बार फिर तो दिल्ली सरकार नूं वापस दिते जाने चाहिए ने। क्योंकि केजरीवाल नूं लगता है कि दिल्ली दे विच बहुत सारे अजिहे बाजार ने जो कि करोना का हॉटस्पॉट बन सकते हैं, उत्थे करोना बहुत ज़्यादा फैल सकता है। बाजार बंद करने की तैयारी दे विच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार जापती है। इस तों इलावा उन्होंने केंद्र सरकार नूं एक होर भी अपील की है कि जेडे 200 व्यक्ति विआह समागम दे विच शामिल होने की इजाजत दी गई है उसनूं वापस लिया जाना चाहिए और सिर्फ 50 व्यक्ति ही एक विआह दे विच शामिल होने की इजाजत दिती जानी चाहिए है। दिल्ली सरकार ने अजिही अपील केंद्र सरकार नूं कीती है, उसका पंजाब ते की असर होएगा, किसानी अंदोलन ते की असर होएगा, क्योंकि पंजाब दे विच अते पूरे देश दे विच 461 जथेबंदियां दे वल्लों 26-27 नवंबर दे दिल्ली कूच अंदोलन की तैयारी की जा रही है। वख-वख जगह ते मीटिंगां कीतियां जा रही ने, सारे आपो अपने दावे कर रहे हैं असी 1,00,000 बंदा लैके जाना है, असी 1,25,00,000 बंदा लैके जाना है। पर उधर जेकर दिल्ली दे विच करोना करके बाजार ही बंद कर दिए जाएंगे तो फिर दिल्ली दे विच एंट्री किसानों को कैसे मिलेगी। भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल के वालों ऐलान आज किया गया है कि जेकर सानू किते भी रोकने की कोशिश की गई तो उत्थे ही पक्का मोर्चा लग जाएगा। कितनी देर तक? उन्नी देर तक जिन्नी देर तक खेती कानून रद्द नहीं किए जाते। मतलब साफ है, जेकर शंभू बॉर्डर के राही हरियाणा च एंट्री की कोशिश किसान जथेबंदियों वालों की गई उत्थे उन्होंने रोक लिया गया तो शंभू बार्डर पक्का बंद हो सकता है। मतलब सड़की रस्ता जिहड़ा बाकी देश दे नाल जुड़दा है पंजाब दा, वो ब्लॉक हो जाएगा अते पंजाब दा लिंक बाकी देश दे नालों टुट जाएगा जेकर अजिहा होया। पर दिल्ली सरकार आखिर यह सब क्यों कर रही है? एक धिर है जिड़ी कि आम आदमी पार्टी की समर्थक है, वह कहिंदे ने कि दिल्ली दे विच करोना दे केस वध रहे ने, इस करके केजरीवाल सरकार इदां कर रही है। पर कुछ लोग खास तौर पर पंजाब दे विच अजिहे भी ने जिहड़े कहिंदे ने कि केंद्र सरकार दे नाल जान बुझ के अरविंद केजरीवाल की सरकार मिली हुई है ते करोना का बहाना बना के किसानां दे अंदोलन नूं फेल करने की तैयारी केजरीवाल दे वल्लों की जा रही है। अजिहा दावा भी हुण पंजाब दे विच एक धिर दे वल्लों कीता जाण लगा है। सवाल तुहाड़े तो पुछ लेना चाहुंदे आ कि तुहानूं कीड़ी धिर सही लगती है। एक कह रही है करोना दे करके दिल्ली बंद करने की तैयारी की जा रही है, दूजी कहिंदी है कि किसानी अंदोलन नूं फेल करन दे लई केजरीवाल भी केंद्र सरकार दे नाल मिल गए ने। तुहानूं कीड़ी गल सच्ची लगती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। अगली खबर दे वल वधदे आ जिहड़ी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल जुड़ी हुई है। अज अचानक ही खबर आ गई, एक पासे जिथे केंद्र सरकार दे वल्लों 30 नवंबर तक झोने की खरीद का ऐलान किया गया है, उधर दूजे पासे पंजाब सरकार ने अचनचेत ही 4,000 के करीब झोने के खरीद केंद्र बंद कर दिते ने। पंजाब सरकार दे वल्लों दावा यह किया जा रहा है कि लगभग सारे झोने की खरीद हो चुकी है, इस करके वह खरीद केंद्र बंद किए गए ने। विरोधी पार्टियां कैप्टन सरकार नूं घेरन लग पईआं ने। आम आदमी पार्टी कहिंदी है कि कैप्टन का किसान विरोधी चेहरा नंगा हो गया है, दूजे पासे किसानां ने भी हुण
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MSP ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ MSP ਉਹ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 9-10 ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, 5 ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਸੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ
की रह गया। इस तरह लोग हुण किसानी अंदोलन के खिलाफ भी सड़कां ते उतरदे दिखाई देंदे ने अते मनदीप सिंह मन्ना वर्गे समाज सेवी उन्हां लोकां दा समर्थन करदे भी दिखाई दे रहे ने। अगली खबर के वल वधदे आ जिहड़ी कि लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस के नाल जुड़ी हुई है। एक पासे उन्होंने 16 नवंबर नूं पंजाब दे विच पंजाब दे पाणियां दे लई पंजाब दी होंद दे लई पंजाब अधिकार यात्रा शुरू की है, उधर दूजे पासे लुधियाणा दे विच उन्हां ते एक परचा हो गया। किस चीज़ का? रेप का, बलात्कार का। गुरदीप कौर नामी औरत दे वलों जिहड़ी कि बैंस की गुआंढण अपने आप नूं दसदी है उस दे वलों ही बलात्कार का परचा सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ बाय नेम परचा दर्ज करवाया गया है। उस तो बाद पंजाब की सियासत दे विच भुचाल ही आ गया कि एक पासे बैंस पंजाब की अधिकार यात्रा कढ़दे फिरदे ने कि पंजाब नूं मैं उन्हां दे अधिकार दिवाउणे ने, दूजे पासे अजिहे परचे उन्हां ते दर्ज किए जा रहे हैं। औरत का दावा है कि कुछ प्रॉपर्टी का लैण देन सी बैंस ने उन्हों का साथ देन दी उन्हों तरवासा दिता सी हौसला दिता सी भरोसा दवाया सी कि हाँ मैं तुहाडा साथ देंगा अते इस दे विच ही मेरी मजबूरी का फायदा चुक के एक नहीं एक तो ज़्यादा वार मेरे नाल बैंस दे वलों बलात्कार किया गया मेरी मजबूरी का फायदा चुकया है अते मेरा सैटलमेंट भी प्रॉपर्टी के मसले में मेरी मदद भी बैंस दे वलों कुछ हद तक की गई है पर बलात्कार बहुत वार बैंस दे वलों मेरे नाल किया गया है अते बैंस दर्जना झूठे मुकदमे दर्ज किए गए दोस्त दुध का दुध पानी का पानी होगा जो दरखास्त कंप्लेंट के रूप सत्ताधारी लोग ने पुलिस नूं दवाई है जिदन असीं हरी के पतन तो पंजाब अधिकार यात्रा स्टार्ट कर दिया उसे दिन उधर कंप्लेंट फाइल होंदी है। इस औरत की पहली कंप्लेंट ADCP तेजा ADCP 2 उथे माफी मंगी सेम उहदे एलीगेशन लाए गए सीगे। सो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो सोने की प्योरिटी लैनी होवे ते उहनूं तपना पैंदा कुठाली दे विच। मैनूं किसी सरकार की धमकी का असर नहीं गा, मैं किसी जिहड़े फोके फैर हैगे उहनां तों डरन वाला नहीं गा। मेरा जीवन खुली किताब है, कोई बंदा कोई सफा पढ़ सकता। मेरे किरदार प्रति करैक्टर प्रति पूरी दुनिया च वसदे पंजाबी जानते हैं। सो ये जिहड़ी सिर्फ ते सिर्फ कंप्लेंट आ ओह पंजाब अधिकार यात्रा दे प्रचार नूं मध्यम करने लई लोकां दी अटेंशन डाइवर्ट करन लई आ। दुध दा दुध ते पानी दा पानी होएगा दोस्तों, मैं इस गल दा इंश्योर करदा हां। इस तरह सिमरजीत सिंह बैंस अपने आप नूं पूरी तरह पाक साफ दसदे दिखाई देंदे ने। लोक इंसाफ पार्टी तां दावा यह भी कर रही है कि इसे औरत ने ही कुछ समा पहला सुखचैन सिंह नामी व्यक्ति ते भी बिल्कुल यही इल्जाम लाए सन कि प्रॉपर्टी के मसले ते उन्हां दी आपस में सैटलमेंट कराने लई मजबूरी का फायदा चुक के सुखचैन सिंह ने भी उन्हां दे नाल बलात्कार किया है, पर बाद दे विच इसे औरत ने मुआफ़ी भी मंग लई सी। बैंस कहिंदे ने कि लोक इंसाफ पार्टी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा वधदी जांदी है, कांग्रेस पार्टी डर गई है, कांग्रेस पार्टी ने ही इस औरत का इस्तेमाल करके मेरे ते झूठे इल्जाम लगवाए ने, पर मैनू कोई भी फर्क नहीं पैंदा, कानूनी तौर ते वो लड़ाई लड़नगे अते पाक साफ हो के निकलणगे। तुसीं अपनी राय इस सारे मसले ते दे सकदे हो। तुहानू लगदा है कि साजिश के तहत यह परचा दर्ज करवाया गया है कि जां फिर इस दे विच कोई सच्चाई भी हो सकती है? तुहाडी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया करो, बड़ी महत्ता है तुहाडी राय दे भी। अगली खबर के वल वधदे आ जिहड़ी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 100 साल दे नाल जुड़ी हुई है। SGPC दे वल्लों 100 साल पूरे होण तो बाद एक विशाल समागम करवाया गया जिस दे विच बहुत सारिया सिख शख्सियतां तां पहुंचियां ही, पर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल का भाषण इत्थे मुख खिच दा केंद्र रहा। सुखबीर सिंह बादल कहिंदे ने कि श्रोमणी अकाली दल ने ही शुरू तो नुमाइंदगी की है सिख कौम की, उदों तो ही SGPC से भी श्रोमणी अकाली दल ही काबिज़ है। हालांकि वह अपने आप को दसते हैं कि श्रोमणी अकाली दल बाद विच है, SGPC पहला है, मतलब SGPC उपर है और श्रोमणी अकाली दल थले है, ये कहना सुखबीर सिंह बादल का। पर 3 नवे वादे पंजाबियों के नाल सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों कर दिए गए हैं। सुखबीर सिंह बादल कहिंदे ने कि सिख कौम का हैडक्वाटर पंजाब है, इस करके पंजाब दे विच सिख जथेबंदी की सरकार बननी चाहिए है, मतलब श्रोमणी अकाली दल की सरकार बननी चाहिए है। इस बार कहिंदे ने कि जेकर सरकार बनी तो 3 चीज़ों पर बड़ा ध्यान देंगे। पहली गल, सिक्ख्या बड़ी वधिया बना देंगे। दूजी गल, इत्थे जिहड़ी सेहत सहूलतां ने उन्हां नूं बड़ा उपरले लैवल का बना देंगे। तीजी गल, कहिंदे ने वातावरण
बड़ा ही साफ कर देंगे, जिन्निया भी नहरां ने पंजाब दे विच उन्हां विचों बिल्कुल गंद खत्म कर देंगे अते बहुत साफ पीण वाले पानी दे लायक पीण दे लायक नहरां पंजाब दियां बना देंगे, वातावरण नूं साफ कर देंगे। तीन नवें वादे सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों कर दित्ते गए ने पंजाबियां नूं। सुखबीर सिंह बादल दे वादे याद रखने चाहिए ने, ध्यान दे विच रखने चाहिए ने, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों इस वार मुख्यमंत्री दे उम्मीदवार उही होणगे। लगभग 100% ये हुण क्लीयर हो चुका है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल हुण तों ही उन्हां नूं अगला सीएम दसन लग पिया। पंजाबियों नूं उन्हां दे वादे याद रखने चाहिए ने। अगली खबर भी 100 साल समागम दे नाल जुड़ी हुई है। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी इस समागम दे विच पहुंचे हुए सन, पर अपने भाषण दिंदियां दिंदियां वह बहुत ज़्यादा गुस्से दे विच आ गए। तीन मुख्य गल्लां इत्थे जथेदार साहिब वल्लों कीतियां गईयां ने। सब तो पहली गल तां इह वह कहिंदे ने कि जिहड़े इस वेले गुरबाणी दे अर्थां नूं तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे ने उहनां लोकां तों सानूं सावधान रहना चाहीदा है। भाषा वरती उहनां ने अर्थां दे अनर्थ कर रहे ने जिहड़े लोग, रणजीत सिंह ढड्डरियां वालियां दे वल उन्हां दा इशारा सी, नाम तां उन्हां ने नहीं लिया, पर वह कहिंदे ने कि जिहड़े इस वेले सिखी सिद्धांतां ते सवाल चुक रहे ने, प्रचार करदे ने, बड़ा पुट्ठा प्रचार करदे ने, उन्हां तों सिख कौम नूं सुचेत रहना चाहीदा, अवेयर रहना चाहीदा। दूजी गल केंद्र सरकार बारे कही है कि EVM दे नाल चुनी गई यह सरकार है, कोई पता नहीं यह सरकार कदों तक रहनी है। सरकार की मंशा ते भी जथेदार साहिब वल्लों सवाल चुके गए ने, पर मुख गल अते तीजी गल उन्होंने जवाब दिता है उन्हां सिख जथेबंदियों नूं, उन्हां लोकां नूं जिहड़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तो 328 गायब होए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूपां दा हिसाब मंग रहे ने। जथेदार साहिब कहिंदे ने कि बहुत सारियां अजिहियां संस्थावां ने जिहड़े कि गुरबाणी छापदियां ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं भी छपाई करदियां ने, गुटका साहिब भी छापदियां ने, वह एक एक पोथी का हिसाब नहीं रख सकते, सालों तो ये काम कर रहे ने, हुण किवें दसण कि किहड़े सरूप उन्होंने किस नूं दित्ते ने, गड़बड़ी हुई सी, लेखे जोखे दे विच गड़बड़ी हुई सी, उन्हां नूं पछाण भी लिया गया है, उन्हां ते कार्रवाई भी कर दित्ती है। दसो हुण की करिए, धरने लाने ने, लीडरां दे घरां दे बाहर जाके लाओ, गुरु रामदास जी दे घर दे बाहर धरने क्यों लाउंदे हो? सिर्फ सिख ही तुहानूं नहीं वेखदे जदों तुसीं गुरु रामदास दे घर दे बाहर तलवारां लहराउंदे हो, मुसलमान भी देखते हैं, हिंदू भी देखते हैं, सोचो वह की सोचते होंगे कि सिख ही सिख का दुश्मन बनया पिया है। इदा नहीं करना चाहिए, मैं आप पड़ताल करवाई है, जांच करवाई है, मेरे ते तां भरोसा किया जाना चाहिए। एक गल होर कहिंदे ने, कहिंदे ने जदों जांच चल रही सी एक पद्धर पुरख मेरे कोल आया सी ते वह कहिंदा सी कि जेकर तुसीं अपनी बल्ले बल्ले करवाउणी है, अपने आप नूं बड़ा वधिया जथेदार कहाउणा है सारिआं दे कोलों, खास तौर पर विरोधियों के कोलों, जेकर उन्हां दे मूँह एक नारा लगवाना है कि श्री अकाल तख्त महान है, सिख पंथ की शान है, तो इस रिपोर्ट दे विच तुहानूं कुछ भी करन दी लोड़ नहीं, जांच करवाओ ही ना, सिर्फ इन्ना लिख दिओ कि बादल श्री अकाल तख्त साहिब विखे आए सन, 328 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूप चुक के लै गए अते उन्हां नूं RSS दे दफ्तर नागपुर छड आए ने। अपनी रिपोर्ट दे विच बिना जांच कीतियां भी इन्ना कुछ लिख दिओ, लोग खुश हो जाएंगे अते तुहाडी बल्ले बल्ले करन लग पैणगे। पर जेकर तुसीं इदां ना कीता, भावें तुहाडी रिपोर्ट सच्ची भी होई, तां वी किसे ने यकीन नहीं करना अते इदां ही होया है। अज ये भाषा श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों वरती गई है। तुसीं भी श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दे इस बयान बारे अपनी राय कमेंट करके दे सकते हो कि तुसीं जथेदार साहिब दे इस बयान दे नाल सहमत हो। अपनी राय जरूर दया करो, राय बहुत महत्ता रखती है। ये सन कुछ वो खबरां जो तुहाडे तक पहुँचाउणियां बहुत जरूरी सन। इन्हां खबरां विचों किसी खबर बारे जां फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाडी कोई भी राय जां सुझाव है तां कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। यूट्यूब ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लेना, फेसबुक ते साडा पेज लाइक कर लो। जेकर तुसीं चाहुंदे हो कि ये पंजाबी प्राइम टाइम तुहाडे दोस्त साथी मित्र रिश्तेदार भी देखण, तां इस पंजाबी प्राइम टाइम नूं वध तों वध शेयर करो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा, तुसीं देखते रहो द पंजाब TV, हर खबर का सच।